सलाम वालेकुम सलाम, दादा भाई, हम आज बढ़िया। आपके यहाँ आए हैं। ये देखा यहाँ पर आके कि आपने पूरा इमाम बारगाह बहुत अच्छे से सलीके के साथ में बनाया है, लगाया है इसको। हर चीज़ है यहाँ पर मौजूद जो इमाम बारगाह में होना चाहिए। इसको यहाँ बनाने की ज़रूरत, ये आपको कहाँ से मिला? ये एक्सप्रेशन जो है, ये आपको कहाँ से मिला कि ये मुझे ऐसा करना चाहिए, और उसकी वजह क्या रही? फिर आप जो है पूरा फ्लोर जो है आपने इसमें इस्तेमाल किया है, तो कुछ वजह बताएंगे कुछ आप मुझे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यारी मदद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं अपने नानी के ज़माने से हमने अपने नानी के ज़माने से हम उनके साथ में रह चुके हैं, और हमारी माँ के साथ में, फिर उसके बाद में माँ के इंतकाल के पहले कुछ ऐसी बात हुई थी कि ना, हमको एक अलग से, हमने जब मालूनी शिफ्ट हुए, मालूनी शिफ्ट होने के बाद हमने ये छोटा इमाम बड़ा जो है, ये शुरुआत है हमारी। तो इस वक्त पे हमारे पास ऐसा था कि ना, एक कलम ख़रीदने के लिए भी हमारे पास रकम नहीं थी। तो हमने झाड़ की, जो बादाम के जो झाड़ होते हैं, उसमें से हमने लकड़ियाँ तोड़े, किसी से कलम मांग, मतलब बोला कि किसी से, मतलब कलम आगे की जैसे जरिया हदिया आ गया हमको, वो ये शुरुआत है हमारी। जब भी हमारी शादी हुई थी, उसके सबसे पहले हमने जब भाड़े पे रूम लिए थे, तो सबसे पहले हमने इमाम बड़ा शिफ्ट किए थे। फिर यहाँ से जो हमारी शुरुआत हुई है, तो फिर हमारे को बहुत शौक था कि हमारे को है ना इमाम बड़ा होए और हमें ना अज़दारी कर सके। ये शौक जो है, समझ भी नहीं आया मेरे, ये शौक जो है वो कहाँ से पैदा हुआ? वो कहाँ से पैदा हुआ? शौक कहाँ से पैदा हुआ? शौक पैदा हुआ, मतलब कि हम बचपन से देख रहे हैं कि हमारे घर से जो अज़दारी, जो जुगुर से जो मातमबंदी जो होती थी, तो हमको भी ऐसा था कि हम भी ना इस चीज़ में हिस्सा लें। हमें बहुत शौक था, बचपन मतलब का, बचपन से। जो हाँ, बचपन में क्योंकि आपने गोरेगांव में, देखा हाँ देखा उसी को कि हम भी उसी इसको को, करें, हाँ पहले तो दूसरों का देखा, हाँ फिर क्या कि मैं भी एक इमाम बाड़ा हाँ बनाऊं और बनाओ। मैं भी उसको हाँ, करूं, मतलब या कि ये मतलब जी आज़ादारी जो घर से, मतलब जो 1972 से हमारे मामू करते थे, हमारी पैदाइश 1976 के, लेकिन जब भी हमने, जब 3 साल की उम्र से जब देखे उनको कि इन लोग करें, तो हम, हमारे को जैसे जैसा हमारे घर वालों ने बताया कि ये देखो ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी, तो हमने उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके, और हमारे को ऐसा लगा नहीं, हमको ये आज़ादारी करना है, क्योंकि हमें इसके आगे हमको और कुछ दिख नहीं रहा था। आज़ादारी का मतलब क्या है? आज़ादारी आज़ादारी का मतलब ये है कि एक इंसानियत का मैसेज है कि हमने जो पैगाम, जो आज ये जो इमाम बड़ा जो सजा है, ये इमाम हुसैन सलाम की पैगाम है कि खुदा के साथ में हमें भी, या तो इबादत भी, अल्लाह की इबादत और आज़ादारी, दोनों साथ में हमको रखना है। और ये मेरे को जो भी चीज़ मिली है, हमको सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ हमको नमाज के ज़रिए हमको मिली है, क्योंकि हमने हर वक्त पे नमाज अदा की है, और हम नमाज में भी ये दुआ की है कि या परवरदिगार, हमें तेरे और अहले बैत के साथ में रखना हमें, और हमारे को इन दोनों चीज़ से हमसे दूर मत करना। तो आहिस्ता 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 हम, जैसे कि हम जाके हर जगहों पे, इमामबाड़ों में, जहाँ जाके हम किस्मत भी करते हैं, चाहे वो कोई भी हमको किस्मत मिल जाए, हमें भी जावर हुसैन टेकरी जाके वहाँ भी किस्मत करते हैं, तो उसमें ना लोगों ने हमको ये हदिया दिया है, ये ये जो भी हदिया, चीज़ है, ये ये मतलब हम, ये, ये हाँ ये सब, सब ये हम, हदिया से ये भी सब आया, हदिया आया हमको, हदिया आया। हदिया आया, ये आप इसको हम मेंटेन रखते मेंटेन हैं, करके हम इसको मेंटेन ना, रखते हमको हैं ऐसा बहुत, लगता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन है हाँ, आपका, हमें ऐसा बहुत लगता है कि अच्छा मेंटेन रखे हैं, क्योंकि कहीं पर भी हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब इसकी सफाई नहीं होती, हमेशा आप इसकी सफाई करते रहें। और यानी आपके आपका सोचना ये है कि हजरत इमाम हुसैन की आज़ादारी और नमाज जो है वो दोनों हमारी ज़िंदगी में रहना ज़िंदगी चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। अगर वो माशाल्लाह। नहीं है, दोनों में से एक नहीं है, तो फिर हम जी बोलते ना, हमारे हाथ भी कट गए, पैर भी कट गए, फिर हमारे कुछ, कोई भी नहीं, हमारे मकसद कुछ भी नहीं है। और ये मकसद सिर्फ हमको ये अल्लाह की, खुदा की इबादत में हमको ये यानी सब, नमाज और अदाए इमाम हाँ, हुसैन, ये मिला है हमको, समझे ना। और जो आज़ादारी भी जो बची है, जो हमारे जो जो ये तबरुकात है, हमने नमाज को और कायम रखा है इस आइए चीज़ जल्द पे। चल के देखते हैं क्या क्या है और आपके पास आइए देखिए, यहाँ रोज़े क्या की, है, किस तरह लगाए, ये आपको कहाँ से मिला, सोच कहाँ से मिली कि इसको ऐसे नहीं लगाए? नहीं ये मैं बताया ना कि ये हमको हदिया मिला है। हदिया मिला है, लेकिन ये हाँ, ऐसे उन्होंने ये हदिया दिया, तो आपने इसको जो सजाया है, जो बनाया है, एक तरह से इसको नहीं, रखा है जिन्होंने दिया ना, जी? उन्होंने खुद मुझे ये सजा के दिया, मैंने अच्छा, उसमें कुछ भी एक, मतलब इधर कुछ भी किया नहीं हो, बस उन्होंने पूरा सजा मेंटेन के करते रखा। हैं आप हाँ, इसको, और इस माशाल्लाह। चीज़ में जितने भी नाम लिखे हुए ना, जी जी हर नाम जो लिखे उधर के ये तबरुकात है, अच्छा अच्छा जैसे कि ये जैसे नाम जो लिखा है उधर के जी तबरुकात है, जनाब मुस्लिम है, इमाम हुसैन सलाम जो भी है, सब इधर वहाँ है, के तबरुकात है, इधर सब है, ये समझे, है, ये एक एक चीज़ वहाँ ये की सब जो वहाँ सब से है। है, इराक से आया है ये सब।
आप देख जी सकते हो सर, उसमें मतलब कि जो भी, और इसमें हम सिर्फ बस इतना हम इसमें खिदमत करते हैं और हम अपने जो भी सफाई वफाई करके हम असरदारों को ज्यारत करवाते कि बस उनकी भी ज्यारत हो जाए और हमें भी मौका मिले ज्यारत करने का, माशाल्लाह और हमें भी मौका मिले खिदमत करने का मौला के, और मौला के साथ साथ में रहने का हमको भी मौका मिले। बस माशाल्लाह ये जो बीबी सकीना सलाम की चादर है ये सीरिया से आई थी, माशाल्लाह ये जनाब जनाब सलाम उधर के रोजे से सीरिया से आई है। और इसकी करामत ये है कि एक मोमिना गई थी तो मोमिना को उन्होंने ना वहाँ के खुदाम ने दिए थे, और अच्छा उन्होंने ये कहा था कि इस चादर मौजीज़े वाली के नाम से मंसूब है। अच्छा तो हमारे उस मोमिना ने पूछा था कि क्या मौजीज़ा है, तो बोले इसका ये मौजीज़ा है कि एक बच्चे के आँखों में नूर नहीं था, मतलब दिख नहीं था, जैसे ये चादर रखी उसी टाइम उसकी आँखों में रोशनी आ गई। माशाल्लाह तो इसको इसके लिए फ्रेम कि हर कोई इसकी ज्यारत कर सके क्योंकि अंदर की चीज़ ख़राब नहीं हो सके, मतलब कि वो तो हाँ ठीक वो है तो हम हाँ निकाले रखे तो जी ख़राब हो, जी क्योंकि जी इसको हमने फ्रेम बना के रख दिया है। बिस्मिल्लाह। आपने ये पूरा फ्लोर जो एकुपाई किया है इमाम बारगाह के लिए, बम्बई में वैसे ही रहने की बड़ी परेशानी है लोगों को, खासकर मिडिल और लो मिडिल क्लास के लोगों को, आपने पूरा, आपको इससे कोई परेशानी नहीं होती है? मेरी नहीं फैमिली को परेशानी हो रही है इसमें कि नहीं कोई हम, फैमिली को नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली भी हमको इसमें साथ दे रही है, आपकी फैमिली के हमारी साथ फैमिली सब पूरी साथ दे रही है, जी हमारे को जी कोऑपरेट कर रही है, और हमारे को इससे ये कुछ नहीं। अगर हम तो बोलते ना हमारे को मौला के तबरुकात और है तो हम लोग किधर भी है ना, छोटे से हमको रहने के लिए छोटी सी जगह चाहिए, लेकिन मौला के लिए हमको ऐसा चाहिए कि हम पूरा अंगला इस अदा जी करते हैं। सब कुछ दे दे मौला के हाँ लिए, ज्यादा हमारे को नहीं, हमारे को बस इतना है कि छोटा सा एक 8x8 का रूम भी हमें मिल गया तो हम रह सकते हैं उसमें, कर लो लेकिन हमें इस इमामबाड़े को हमें कायम रखना है। और ये जो अल्लाह। भी सदका है जनाब अली असगर इस्लाम का सदका है जो हमने उनका इमाम बड़ा सजाया, तो वो नन्हे बाबुल हवाइज ने हमारे को ये सब तबरुकात वाई वाई जैसे कि लोगों के जरिए हमको हदिया मिला है। माशाल्लाह ओके ठीक है। और ये अंदर जन्नतुल बकी ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी मतलब अंदर आलम जितने भी ये सब आप ज़ियारत कर सकते हैं। और नसीम भाई आप इधर आइए, ये जो शमशीर है जी अभी जरी खोल के आपको बता रहा, ये जो शमशीर है ये भी जी जनाब जनाब सलाम उधर के रोज़े से आई थी जी मौल अब्बास के नाम से, अच्छा छोटी शमशीर जो है वो जनाब सकीन सलाम के रोज़े से आई थी जनाब अली अकबर सलाम के नाम से, ये अच्छा सब शमशीर हमको वहाँ से मतलब हदिया दिया हदिया गया। दी है। इस चीज़ में जितने भी सब मौल अब्बास इमाम हुसैन मौला अली सब जगह के ना मट्टी और पत्थर है वहाँ के मतलब तबरुकात है ये सब। ये जो आलम है ये एक मोमिना ने दिया हमको, उनके पास ही कम से कम 400 साल पुराना हो गया था, ये चीज़ को हमने अंदर ही रखा। 72 पीसेस है इसमें, जब वो जुड़ते हैं तो एक आलम बनता है इसमें, एक एक चीज़ अलग होती है इसमें, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं इसमें ऐसा। यार माशाल्लाह, आप मतलब सारा दिन आपका इसमें हो जाता, लग जाता है, इसी में हो जाता इसी है में हमारा सारा दिन आपका। फिर जरिए माश क्या है आपका? जरिया, यही है कि अभी आपको बताऊँ ना कि हम जाते तो जैसे आप हमें ज़्यादा करके हम किस्मत में लगे रहते हैं, जैसे हर इमाम बाड़ों में हमको बुलाया जाता है, जैसे जो भी है हमारे को हम सफाई से लेके आलम चढ़ाने से लेके जो भी हम ही करते हैं, जहाँ भी हमको चाहे पूना अच्छा चले गए कभी बेंगलोर चले गए, अभी मैंगलोर जाना है, तो हमको जो भी मौला के काम में हम पूरे साल में ही लगे रहते हैं, और यही हमारा समझो कि मौला ने इसी के जरिए हमारे को हमारे, क्योंकि आप यहाँ पे किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं कि नहीं भाई यहाँ आ रहे हैं नहीं ज्यारत पर तो आपको कुछ नहीं देखिए नहीं आज पैसा तक वैसा कुछ हमने नहीं, किसी से वो भी भी लेते ना हैं हमने करना दिए नहीं, बहुत बस इतना है कि जो भी होता है तो हम अपने हिसाब से हम जो भी होता है जी। हम जब भी अल्लाह हम ही कर लेते हैं, और अल्लाह मतलब कि मौला आपको उसमें इसके और ज्यादा तौफीक अता और फरमाए, आपकी रोजी में भी बरकत दे या अल्लाह। अमीन। उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आपको ये सब, हमारी गाड़ी में आप देखेंगे कि हमने पेरिस्कोप भी लगा के रखा है, तो उसके जरिए भी हमारा अच्छा, इंशाल्लाह उसमें भी हमारा रास्ता चल यानी जाता आपका ये शमाई हिंद की तरफ से शमाई भी हिंद चैनल जो हमको, है, इससे भी हाँ आपको, इसमें से भी इससे हमारे, आपको इनकम है। हाँ इससे हमारे ठीक को थोड़ा बहुत सा ये अच्छा मिल जाता है कि हम उसमें से भी अपना घर चला लेते हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन हमारी आपसे दरख्वास्त है कि शमाई हिंद चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको देखें। आइए।